ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंग शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाले समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातक, पारिवारिक कार्यों को पूरा करना आज आपकी प्राथमिकता होगी। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक व्यक्तियों का सानिध्य तो मिलेगा, घरेलू समस्याओं का भी समाधान होगा। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है। महा उपाय है, लाल मुंह वाले बंदरों को चना खाने को दें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक दो। तो कार्य क्षेत्र में काम के अधिक बोझ के कारण परिवार को समय कम दे पाएंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत है। पति पत्नी की बात करें तो दोनों विदेश घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं। महा उपाय करें, चावल और दूध का दान करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक तीन। कार्य क्षेत्र से सहकर्मी के साथ चल रहा पुराना मतभेद आज खत्म होगा। किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपके द्वारा किए गए जो थोड़े से प्रयास हैं वह आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। उपाय करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक चार। तो आज आत्मविश्वास तो उच्च रहेगा, कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में आज का दिन सुकून से भरा, आपके कुछ नए संपर्क भी बनने के आसार हैं। उपाय करना है, खोटे सिक्के जल में प्रवाहित करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक पांच। तो आज व्यापार के लिए बनाई गई जो योजना है उसको क्रियान्वित करने के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का भी मौका मिलेगा। व्यापार में आपको सफलता की नई राह दिखेगी। उपाय करें, पक्षियों को दाना डालें। मूलांक छह के जातक, आज कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने जीवन साथी के साथ सलाह अवश्य करें। युवा प्रेमी परिणय सूत्र में बंधने का महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। नवविवाहित व्यक्तियों को आज संतान से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उपाय करें, लक्ष्मी माता की आराधना करें। मूलांक सात के जातक, आज संतान की उच्च शिक्षा को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं। वेतन का कुछ हिस्सा संचय करना भविष्य के लिए लाभदायक कदम। युवा प्रेमियों को व्यर्थ की बहसबाजी से बचना है। उपाय करें, काले तिल जल में प्रवाहित करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक आठ। तो नौकरी की तलाश अगर कर रहे हैं तो उन व्यक्तियों को उपयुक्त नौकरी मिलने की संभावना है। तेज रफ्तार से वाहन चलाने से बचना है, कोई पुराना रोग दोबारा से परेशान कर सकता है। उपाय करना है, चंदन की लकड़ी मंदिर में दान करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक नौ। तो आज अफवाहों से दूर रहने की कोशिश करनी है, जो लोग जलन के कारण आपको भावनात्मक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्षेत्र में किसी महिला अधिकारी के साथ कहासुनी भी हो सकती है। उपाय करें, मसूर की दाल मंदिर में दान करें।